वो बशारत खालू है नहीं? हाँ, हमारे मकानदार, उनकी बेटी डॉली, इसकी अभी शादी हुई ना, उन्हें जो है अपने ससुर के वास्ते रिश्ता ढूंढ रही है। हो, आपका दिमाग खराब हो गया है? अब मेरी ऐसी भी किस्मत नहीं है कि मैं उस बुढ़े से शादी करूं। क्या हुआ भाई? मम्मी घर छोड़कर चली गई। क्या, मम्मी घर छोड़कर चली गई? क्यों? मुन्ना से लड़ाई हुई उसकी। अरे निकालो इस मुन्ने को, जाए और मम्मी को ढूंढ कर लाए। कहीं को निकालूंगे मैं उसको? आराम कर रहे मियां बीवी, शर्म आना तुम्हारे को ऐसा खटखटाते हुए। और तुम्हारी बहन कौन सी छोटी सी बच्ची थी जो ऐसा गली में निकली और खो गई? हाँ, उन्हें अपने होशो हवास में गई है, आखिर बालिग औरत है, आखिर को चले गई तो चले गई। मुझे इनके अब्बा ने बात की थी ना, उसने सोने नहीं दिया सारी रात मुझे। तुम्हारी माँ लग रहा था मेरे सामने खड़ी मुझसे कह रही है, हाशिम मेरे मरने के बाद अब तुम दूसरी शादी करोगे। मेरा तो दिल कट गया। नहीं भाई, नहीं, मैं नहीं करूंगा कोई दूसरी शादी वादी। ये दर्द रोज की तरह। आसिफ, ये लो चाय। आसिफ, ये दिखाओ दिखाओ, ये घड़ी कहां से आई? मुन्ना ने दिए, मुन्ना ने। क्या, तुम मुन्ना से मिले थे? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुन्ने से दूर रहो। पप्पी, दूर रहता तो ये कीमती घड़ी कहां से मिलती? दुबई का माल है, दुबई का। तो फिर तुम भी कोई दुबई वाली फंसा लो ताकि हमारी भी किस्मत जाग जाए। पप्पी, ये लड़की फंसाने का हुनर ना सिर्फ मुन्ना के पास, मेरे तो काबू में नहीं आती। हाँ, ये बात तो है, मुन्ना और नजमा आपा बहुत होशियार हैं। तुम्हें पता है आज नजमा आपा आई थी मेरे लिए एक बुढ़े का रिश्ता लेकर, कहने लगी अकेली रहोगी तो पागल हो जाओगी। वैसे पप्पो कह तो सही रही है, उसना खाला भी मुझे कह रही थी तुम्हारी पप्पो ना पागल होती जा रही है। हाँ, तुम्हारी खालाओं ने तो तुम्हें पाला ही नहीं ना, पाल लेती तो अच्छा था, कम से कम मेरी शादी में तो रुकावट ना बनते तुम। पप्पो, मैं रुकावट नहीं बना, आपके अपने इतने नखरे थे, हर रिश्ते को मना कर देती थी आप। कैसे कर लेती, तुम्हारे साथ मुझे कोई कबूल करने को तैयार नहीं था। एक ही बात को आप बार बार जताती हैं और इल्जाम मुझ पे लगाती हैं, आपके खुद इतने नखरे थे कि आप शादी नहीं करना चाहती थी। एहसान फरामोश हो गए ना तुम, कल को तुम्हारी शादी होगी तो कौन सी पुप्पो कहाँ की पुप्पो। पुप्पो, आप मेरी शादी होने कब देंगी? मेरी शादी के लिए ना मुझे आपके मरने का इंतजार करना पड़ेगा। बस आसिफ, यही सुनने को रह गया था, मैंने तुम्हें पाला पोसा इसलिए कि मरने के बाद भाई भाभी को मुंह दिखाने के काबिल रहूं, इससे बेहतर था कि तुम्हें यतीम खाने में डाल देती मैं। पप्पो, ये रोने के ड्रामे ना आप किसी और के सामने कीजिएगा, मेरे सामने नहीं करें। अच्छा खासा जा रहा हूँ, और बस उसने मुझे कह दिया ना। ये अंगूठी। अंगूठी? ये आप बबली को दिए हैं। बबली के वास्ते लाए? अच्छा, अच्छी महंगी दिख रही, सोने की है जी। हाँ, मंगने के वास्ते लाए? नहीं, ये उसकी सालगिरह के लिए ली थी। कि सालगिरह के वास्ते तुम इतनी महंगी अंगूठी लेके आए, 40-45 हज़ार की दिख रही मेरे को। हाँ, तो क्या हुआ अम्मी, साल में एक बार तो गिफ्ट दे ही सकता हूँ ना बबली को? साल में एक बार दे सकता हूँ, अम्मा के याद नहीं आता तुम्हारे को कोई दिन? उधर मदर्स डे गया, ऐसे ऐसे पट्टे ले आके अपनी अम्मा को तोहफे दिए, तुम कुछ लाए अम्मा के वास्ते? ऐसे तो ना कहें, सारे पैसे आपके हाथ में ला के रखता हूँ। सारे पैसे अगर तुम रखते मेरे हाथ में तो पप्पू इसके पैसे कहाँ से आए? जेब खर्च में से पैसे बचाए थे। बड़े कुर्बानियां दे रहे तुम उसके वास्ते, चलो रखती हूँ मैं इधर। इसको यहाँ नहीं रखना, बबली को देकर आना। अरे देंगे भाई, कोई मुनासिब मौका आएगा तो दे देंगे, कहीं को जान को लग जा रहे तुम। कौन सा मुनासिब वक्त, बबली की सालगिरह का तोहफा है, मैं उसके लिए लेकर आया हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ उसको जाके नीचे दे आए, बस।
पप्पू अब मैं जाऊंगी ना नीचे तो बशारत खालू से आमना सामना होगा। मैं उनको अवॉइड कर रही हूँ जी। क्यों अवॉइड कर रही हैं आप? इस वास्ते जाते जो है उन्हों और उनकी बेगम दोनों मेरे गले पड़ जाते, जान का वैताग हो गए दोनों। मम्मी 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 कहाँ गई, मम्मी क्या जवाब दूँ, थक गई मैं। वैसे भी ना बशारत खालू क्या बोले मालूम, उन्हें बोले अभी बबली जो है ना पढ़ रही है, उन्हें पढ़ाई मुकम्मल कर लेंगी, जब तक तुम्हारे को भी अच्छी नौकरी मिल जाएंगी, कर लेंगे ना कुछ। मुन्ना जब घर आया था तो आते ही आपने उसको सीने से लगा दिया। अम्मी निकाले मुन्ना को और उसकी बीवी को घर से बाहर। काहे को निकालूं मैं उसको घर से बाहर? हाँ पहले उन्हें गले पड़ी सो बीवी को निभाया, मैं भी उसको कबूल करी, मैं भी उसको आने दी, जब तो मैं किसी को नहीं निकाली, अब मैं कह के उसको निकालूंगी? अब तो इतनी अच्छी लड़की है, उसे प्यार से ब्याह के लाया, मैं तो नहीं निकालूंगी उसको। मैं भी आपका बेटा हूँ अम्मी, मेरे बारे में भी कभी सोच लिया करें, मेरी खुशी के बारे में भी सोच लिया करें, करवाते मेरी और बबली की शादी। तो मेरा दिमाग नखो खाओ, तो मैं बोली तुम्हारे को मैं कराऊंगी कराऊंगी, मैं जाऊंगी बशारत खालू से बात करूंगी, मेरा पीछा छोड़ो जाओ, अच्छा खासा मेरा मूड गारत कर दिए तुम, निकलो यहाँ से। आप सीरियस नहीं है ना? मैं गुड्डू को कहूंगा, गुड्डू बशारत खालू से बात करेंगे, और अगर आपने ये नहीं देनी ये भी मैं खुद दे दूंगा। नको मैं जाऊंगी जी, मैं जाऊंगी बात करूंगी। इधर नहीं रखनी, बबली को देकर आ। दूंगी बोली, भरोसा करो अम्मा पे जरा। इन्हें कहीं को फोन करी होंगी मेरे को? हाँ 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 जाहिदा क्या हुआ? नजमा आपा, आपकी बात मेरे दिल को लगी है। आपको पता है आसिफ अभी इतनी बदतमीजी करके गया मुझसे, इससे बेहतर है कि मैं किसी बुढ़े से शादी कर लूँ, कम से कम नाम तो होगा। शादी वाली है। अयो ये करे देखो तुम अकलमंदी का फैसला। हाँ मैं बोल रही थी ना तुम्हारे को, अकेली औरत की जिंदगी कोई जिंदगी है क्या? हाँ बहुत अच्छा करे तुम। मैं बात करती हूँ डॉली से। हाँ आप पहले मुझे उनकी तस्वीर तो दिखा दीजिए। क्या करेंगे तुम तस्वीर देख के? हाँ अचार डालते क्या? सो बुढ़े एक जैसे तो लगते। तुम अपने जहन में कोई अच्छा सा खाका बना लो, कोई अच्छे से फिल्म एक्टर को सामने ला लो, बस वैसे ही चाहो। हाँ मैं करती हूँ बात करके, मैं तुमको अब बीच बताती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। अरे नजमा आंटी, इनको मुझसे क्या काम पड़ गया? अस्सलाम वालेकुम नजमा आंटी। हाँ वालेकुम सलाम डॉली, वालेकुम सलाम। अभी मेरी आवाज़ तुम फौरन पहचान लिए नी? नंबर सेव होगा तुम्हारे पास। कैसे हैं तुम? मैं ठीक हूँ। असद कैसे हैं? असद भी ठीक है। अच्छा मैं एक छोटे से काम से फोन करी तुम्हारे को, जरा अपने ससुर तुम्हारे ससुर साहब है ना उनकी एक अच्छी सी तस्वीर तो मेरे को व्हाट्सएप करो जी जल्दी। मेरे ससुर की तस्वीर? नजमा आंटी आपको क्या करनी है? अचार डालूंगी मैं उनका। क्या? अरे मजाक कर रही डॉली, अरे तुम इश तो बोले थे कि जो है ससुर के वास्ते तुम कोई लड़की ढूंढ रहे हो उनकी शादी कर देना, तो मैं ना एक अच्छी लड़की ढूंढी हूँ उनके वास्ते। हो लड़की? हाँ हाँ लड़की छे भाई, ऐसी होंगी 40-45 की होंगी। अब भाई देखो जब तक के लड़की कुंवारी रही उसकी शादी नहीं, उसको औरत नहीं बोलते, उसको लड़की च बोलते, तो लड़की च हुई उन्हें। हाँ अच्छा अच्छा ये बात है रजवान जी, खैर अभी रहने दें। काय को रहने दें, क्या हुआ? नहीं नहीं नजमान जी, वो क्या है कि मेरे ससुर ने शादी से मना कर दिया है, वो नहीं करना चाहते शादी। कोई और ढूंढ लिए क्या? अरे क्या हो गया, कोई मसला नहीं है, बस नहीं करना चाहते ना।
काहे को मना कर रहे, क्या हो गया बुड्ढे को? मजाक लगाए क्या तुम लोग? अच्छे मजाक लगा के रखे, कभी बोल रहा कर रहा हूँ, कभी बोल रहा नहीं कर रहा हूँ। अब मैं इतनी अच्छी लड़की ढूंढ ली तो अब जो है मना कर रहे हैं। मैं समझाती हूँ आके उनको अच्छी तरह से। अरे नहीं नहीं नजमा आंटी, खुदा के वास्ते कोई ऐसी बात मत कीजिएगा, ना जाने वो क्या समझे। नहीं समझते जी, नजमा समझाई तो सब अच्छे बातें समझ में आते उनको। अरे बुड्ढा खबर में पाँव लटका के बैठा, इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की का रिश्ता मैं ला रही हूँ, और जो है तुम लोगों ने टक्का सा जवाब दे दे रहे मेरे को वहाँ से बैठ के। मेरे को आने दो, मैं आती हूँ। मैं जब कोई बात समझाती हूँ ना लोगों को, ऐसा समझ में आ जाती हूँ, दिमाग में बिठा देती हूँ बात में। घबराओ नको तुम, तुम्हारा नाम नहीं लूंगी मैं, मेरे को आने दो, मैं आके बात करती हूँ उनसे। हाँ ओके चलो, सलाम बोलना। हाँ घर में सबको सलाम बोलना, ठीक है डाली, खुदा हाफिज। देखो जरा बोलो। मैं ये कह रही थी कि मुनव्वर का तो माशाल्लाह कारोबार भी खूब चल निकला, पैसे की बिल पेल हो गई है। तमीज क्यों बांध रही हो? आपने उसे रकम दी थी ना, अब उससे वापसी का मुतालबा करें ना बब्बन। बस समझ लो तुम के बेबी का सदका उतार दिया हमने। बब्बन खाला, बब्बन खाला, आए सलाम अलैकुम बशारत खालो। वालेकुम सलाम। मिल गई फुर्सत है बब्बन खाला के पास आने की? मैंने कितनी दफा बबली से कहला के भेजा कि तुमसे कहो कि आके मुझसे बात कर ले, मगर मैं फुर्सत नहीं। फुर्सत की क्या बात करे बब्बन खाला, मेरे को बताई बबली बहुत पैगामा दी, उन्हें जो है गुड्डू तो लड़ने लगा कि जाओ अम्मी जाके बशारत खालो से बात करो, मगर मैं क्या तुम्हें बात करूँ आके। आप लोग उठे बैठे वही खिस्सा लेके बैठ जा रहे हैं, मुन्ना मोमी मुन्ना मोमी, क्या करूँ मैं, सुन सुन के मैं बेजार हो गई हूँ। एक बात बताओ आप, ये सारे खिस्से से मेरा क्या तो भी लेना देना है? हाँ ना मैं कहानी में ना खिस्से में, ना तो मेरे से मोमी पूछ के गई ना मेरे से पूछ के आई थी, है ना यही बात, तो फिर मैं क्या करूँ, मेरी क्या तो भी जिम्मेदारी है? अरे मोमी तो मुन्ने की जिम्मेदारी थी, उससे तुम्हें पूछना चाहिए था। वाह बशारत खालू वाह, गुस्ताखी माफ, ऐसा मजाक कर रहे हैं आप। अगर मुन्ना इतना सादतमंद होता तो ऐसा छुप के निकाह करता, मम्मी को लाके मेरे सर पे बिठाता क्या? ओ, मेरा कोई कसूर नहीं है इसके अंदर। तुम जानती हो मम्मी की वजह से मैं और बब्बन किस कदर परेशान है? हाँ हाँ बशारत खालू, मेरे को मालूम, मेरे को पूरा एहसास है। आपकी बेटी थी आखिर चले गई, क्या आपके दिल पे बीतरी होंगी मेरे को मालूम, मगर आप एक बात बताओ बशारत खालू, ये सारे किस्से में मेरा क्या कसूर है? मैं क्या करी आप बताओ, ना ये लोग मेरे से पूछ के शादी करे, ना ये लोग पूछ के मेरे से शादी तोड़े, मुन्ना किधर चले गया, मम्मी किधर चली गई, मेरा क्या कसूर है इसके अंदर, मैं क्या करी? फिर भी अगर आप समझ रहे हैं कि सब इल्जाम सब कसूर जो है नजमा का है, तो आप मेरे सर पे जूते मार लो, आप उठाओ अभी चप्पल उठाओ, मैं आपका हाथ ही रोकूंगी, आप जूते मारो मेरे को, नहीं हिम्मत हो रही लाओ मेरे को दो चप्पल, मैं मारती हूँ। अरे छोड़ो, मैं कौन होता हूँ किसी को सजा देने वाला, मगर इस मसले का हल तो निकलना चाहिए ना खालू। जिन हालत में ये शादी हुई ना, बुरा नको मानो, उसका अंजाम यही छोना था, ना ये लोग बुजुर्गों से मशवरा करे, ना हमारी मौजूदगी जरूरी समझे, ना हमारा इंदिया लिए, तो यही छोना था ना। आपको बुरा लगेगा मगर बात हकीकत तो यही है। देखो हाँ छोड़ो जी ये सब बात, आप जो है खुदा पे भरोसा रखो, मेरे को ना ख्वाब में आया जैसा मुन्ना वापस आ गया ना, ऐसा मोमी भी आ जाएंगी जी, उसी काल आएंगी, उसको अच्छी नौकरी मिल गई, उन्हें खुश है। आप दिल छोटा नहीं करो बब्बन खाला, मैं आपको कोई अच्छा वजीफा बताऊंगी, पढ़ो, घूमे हुए लोग जो है ना ऐसा वापस आ जाते। अरे मूड ठीक करो जी अपना, ऐसा करेंगे कि डॉली के ससुराल चलते मेरे साथ। डॉली के ससुराल? अरे उससे क्या काम पड़ गया तुम्हें? मेरा काम नहीं है उसके पास, आप लोगों का ही काम कर रही हूँ मैं। कैसा काम, कौन सा काम? आई उस दिन आप दोनों कितने परेशान थे हाँ, कि डॉली का जो ससुर है बुड्ढा, उन्हें जो है लड़की ढूंढ रहा, तो मैं डॉली को फोन करके उसे तस्वीर मंगा ली हूँ उसकी। मेरी बात सुनो नजमा, वो डॉली का ससुर है, ये बुड्ढा उड्ढा कह के उसके नाम मत लिया करो, उसकी इज्जत किया करो। आपको क्या बोलू मैं बब्बन खाला, आप मशारत खालू, आप दोनों फरिश्ता हैं जी, अगर कोई चोर आया आप दोनों के गले पे छुरी भी रख दिया ना, तो आप लोग उसको पहले इज्जत देंगे, चाय पानी का पूछ के फिर बोलेंगे हल्लू काटो, ऐसे तो हैं आप लोग, बहुत भोले हैं जी, इसी वास्ते दुनिया आपको खा जा रही है।
वो तो मैं ही छूं किराएदार नहीं आपकी जो ऐसा बैठी हूँ वहां पर, कोई और होता ना आपका मकान खा जाता अब तक। नजमा हमने तुम्हें किराएदार नहीं समझा कब है, हमने तो तुम्हें बेटी बनाया था। बशारत खा लो, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे जी, सेहत दे। आप भी जो है ना मेरे को बेटी समझो, मैं भी बेटी होने का ही हक अदा करी ना। उस दिन आप लोग कितने परेशान थे हाँ, कि वो डाली का जो ससुर है बुड्ढा, बड़े साहब के रिश्ते के वास्ते आप लोगों को परेशान देना। देखो मैं इंतजाम कर दी। अरे कैसा इंतजाम कर दी, क्या इंतजाम कर दी? अरे उनके वास्ते लड़की ढूंढ ली ना मैं। हाँ चलो जाके बात करेंगे उनसे। मेरी बात मानो, तुम इस मामले में ना पड़ो। ये जो डॉली के ससुर है ना, ये हर बात का उल्टा मतलब निकालते हैं। और वैसे भी डॉली कह रही थी कि वो शादी के लिए राजी नहीं है। ऐसा कैसे राजी नहीं होते? अब तो मैं जाहिदा को आस दिला दी, अब मैं उसकी आस नहीं तोड़ सकती भाई। उन्होंने हाँ बोले या ना बोले, मैं ले जाके जाहिदा को उनसे मिलाऊंगी। कौन जाहिदा? नहीं देखो बशारत खालो, इन्होंने जाहिदा कुछ भूल गए, भूलने की बीमारी हो गई इनको। बबन खाला बादामा खाओ, आप सुबह को याददाश्त अच्छी होती। अरे वही आसिफ की पुप्पी जी आई नहीं थी उस दिन, उन्हें गोरी गोरी जरा भरे भरे जिस्म की, वो जाहिदा। क्या मतलब है, वो इतने जवान बेटे के बाप से शादी के लिए राजी हो जाएगी? हो जाएंगी नहीं, हो गई राजी उन्हें। हाँ इस वास्ते बोल रही हूँ जल्दी करो चलेंगे, कहीं बुड्ढे का दिमाग फिर बदल, बड़े साहब का दिमाग नहीं बदल जाए ना, जल्दी जाके अपन रिश्ता तय कर देंगे। नहीं नहीं ऐसा करते हैं कि मैं असद और डॉली से बात कर लूँ ना, उसके बाद। सही है, लेकिन मेरे को लग रहा आप लोग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं चले जाती हूँ खुद ही। जाऊँ? जाओ भाई जाओ। नहीं नहीं कहा ना डॉली और असद से पूछ के फिर चलेंगे। आप लोगों के साथ ही जाऊंगी जी, साथ ही जाऊंगी। चाय मंगाते क्या मेरे वास्ते? तुम्हारा घर है, तुम जाके खुद चाय बना लो। हाँ बच्चियां तो है नहीं, मैं ही बना लेती हूँ। आओ ऑफिस जा रहे हो? बुड्ढू कहाँ जा रहा है? और कहाँ जाता हूँ मैं, दोस्तों में बैठ। तभी तो सीधे मुंह जवाब दे दिया कर। तुम भी ढंग से सवाल कर लिया करो। जब से तुम्हारी नौकरी लगी है तुम तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते, क्या हो गया? पप्पू क्या है, कोई काम है? हाँ काम है। पैसे चाहिए? नहीं पैसे चाहिए, अपने पैसे अपने पास रख, कोई और बात कर लिया। जल्दी बोलो मुझे देर हो रही है। देर हो रही तभी तो बैठ के बात सुन लिया कर, भाई हूं तेरा, बैठ जा। बोलो गुड्डू। अम्मी पता नहीं बशारत खालू से कब बात करेंगे, मैं चाहता हूं कि तुम बात करो बशारत खालू से। कौन सी बात? वो मेरे बबली की शादी की बात। देख भाई अम्मी के करने की बात, अम्मी को ही करना। बशारत खालू टाल चुके हैं अम्मी कि अभी बबली को पढ़ने दो और जब पप्पू की नौकरी लगेगी तब देख ली जाएगी। तो सही यार गुड्डू, ठीक है तू जा अपनी जॉब पे, मैं खुद संभाल लूंगा। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कर लूंगा बशारत खालू से बात। लेकिन अगर अम्मी गुस्सा हुई तो मुझे मत फंसाना, खुद हैंडल करना। मैं हैंडल कर लूंगा सर, ट्रस्ट में। मेरी खातिर बात करना बशारत खालू से प्लीज। अब मैं जाऊं? भागा जा रहा है, रुक जा यहीं पर, खबरदार जो तू यहां से हिला वरना गमला उठा के तेरे सर पे मारूंगी मैं। देखो मिलो, अगर इसे कुछ भी हुआ ना तुम्हें अमेरिका वाले उठा कर ले जाएंगे। अरे अपनी बकवास बंद कर, सीधी तरह शराबत से जाके मम्मी को ढूंढ के ला वरना मैं तेरा जीरा हराम कर दूंगी, तेरी इस अमेरिकन का भी। देख रही हो यानी तुम्हारे शौहर को धमकी दे रही है, तुम इसे कुछ कहो। कौन से? ओके हे लिसन, अगर मेरे हस्बैंड को कुछ भी हुआ आई कॉल द पुलिस। ओ ओके। पुलिस पुलिस नहीं आते यहाँ पे, जो करना होता है खुद ही करना होता है। पुलिस हमारी हेल्प के लिए नहीं आएगी। जब तक वो आएगी हमें ऊपर पहुँचा देगी। मुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अच्छा तो फिर तुम मुँह से सुन,
शराफत से मोमी को ढूंढ के ला, वरना यहाँ से दफा हो जा अपनी इस अमेरिकन बीवी के साथ, समझ रहा है कि नहीं? क्यों निकल जाऊँ मैं अपनी अम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और वैसे भी ये अमेरिका से मेरी अम्मी के साथ रहने आई है। अगर ये तेरी माँ के साथ रहने के लिए आई है ना, तो माँ को भी उठा के ले जा यहाँ से। देखो पिल्लो, ये सारी बातें अम्मी से करो जाके। अम्मी की धमकियाँ देता है, माँ की धमकियाँ देता है। अच्छा, अच्छा, अभी बुलाऊँ अम्मी को? हाँ बुला, बुलाऊँ, बुला। अम्मी, अम्मी, क्या हो यार, क्या बम पिटा रहे हैं भाई, किसके मौत पुकारी, मेरे को बुला रहे हैं? आपकी अम्मी के बहू के पीछे पड़ गई है, मार रही है, इसको कुछ हो गया, अम्मी का कैसे जाएंगे अम्मी? अरे देखो डॉक्टर मिलो, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा ना, जाओ जाके अंदर बैठो, दवा खाओ, हमारी कई कुछ जिंदगी खराब करने आ रहे भाई। क्या हो गया नजमा आंटी तुम्हें? मेरी बात कान खोल के गौर से सुन, मेरे अब्बू ने ना तुम्हें ये घर बेवा समझ के और इन बच्चों को यतीम समझ के दिया था, इसके लिए दिया था कि हमारा ही खाओ, हम पे घुराओ, समझी? देखो मैं जो हूँ ना बशारत खालू से सब बातें क्लियर कर ली हूँ, जाके पूछो तुम, मालूम मालूम कुछ होता नहीं, जहाँ देखे नजमा के बच्चे हंस रहे बोल रहे, तुम लोग जल के मारे जहर घोलने आ जाते, जल कुकड़ियाँ कहीं की। मैं अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ तुझे, छोड़ूंगी नहीं। अरे आप हैं कौन और कैसे घुसाए इस घर में? शकुर ने आपको आने कैसे दिया? भाई घुसने कैसे दिया, क्या बातें कर रहे हैं आप? भाई मैं आपके रिश्तेदार हूँ। हैं? हेलो, वो पप्पू चाह रहा था कि आप उसकी और बबली की शादी करते हैं। ये दर्द रोज की तरह। देखो बालों तक सब नोच डाली जी उन्हें, सर दबाव में, तो तुम लेट जाओ इधर। नो मॉम थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। बेबी बहुत जोर से लगा आपको? यस मुन्ना। बस अम्मी अब हम ये घर छोड़कर कहीं और चलते हैं। शुक्र करें अभी तो मैं था, अगर मेरी और आपकी गैर मौजूदगी में उसने एनी पर हमला किया तो फिर क्या होगा? अरे ऐसा कैसा हमला करती मेरे बच्चे पे? हाँ मैं जो है ना कल ही जाके अस्पताल में शोर मचाऊंगी कि जाली है डॉक्टर, देखो कैसा बदनाम करती हूँ बिल्लों को मैं। और तुम भी ना, तुम्हारी को क्या तो भी पड़ी थी पाकिस्तान में मरने की, यहाँ का कल्चर देखने की। हाँ देख लिए कैसा है हमारा कल्चर, ये लड़ाइयाँ सुबह लड़ाइयाँ शाम लड़ाइयाँ यही चलते रहता है यहाँ पर। जल्दी देखो तुम क्या करो, हमारे पासपोर्ट दाखिल कर दो। मॉम आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डू यू वांट टू गो टू स्टेट्स, अमेरिका क्यों जाना चाहती हैं आप? एवरीथिंग इज सो गुड हियर, इवन द कल्चर इज सो कलरफुल, पीपल आर सो लविंग एंड केयरिंग, अमेरिका में कुछ भी नहीं रखा, ट्रस्ट मी। क्या तो भी बोल रहे तुम, अमेरिका नहीं जाओ बोल रहे? देखो बेटा मैं ना लड़कपन से मेरे को ख्वाहिश थी कि मेरे को अमेरिका जाने का है। मैं देखी थी एक दफा एक तस्वीर में, वो मूर्ति है नी वहाँ ऐसा इल्म की शम्मा लेके खड़ी, देखो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मॉम ये बोलते हैं उसको, मेरे को वो देखने का ऐसा करीब से जाके ये है। अगर ये इनके बाबा से खय्यूम से मेरी शादी नहीं होती ना, मैं तो कब की अमेरिकन हो जाती। हाँ मेरे ना चचाजाद भाई थे नासिर, अरे तुम नहीं जानते ना नासिर को, नासिर से ना मेरी बचपन से बातचीत तय हो गई थी, उन्होंने मेरे को बहुत पसंद करते थे, मैं बहुत ऐसी पतली छड़ी के वैसी थी, अब थोड़ा ऐसा वजन बढ़ गया तो ना उन्होंने उनसे शादी हो रही थी, फिर तुम्हारे नाना जो हैं उन्होंने एक अड़ंगा डाल दिए, हमारी शादी हुई थी नहीं तो ना नासिर पिछले साल अपनी बेटी स्वीटी को लेके आए। हाँ आप ये अपनी लव स्टोरी हर किसी को ना सुनाया करें प्लीज, आप जाकर बिशारत खालू से कहें उस बिल्लो को कंट्रोल में रखें। हाँ हाँ बोलती हूँ, मगर तुम ना जल्दी हमारे पासपोर्ट सब दाखिल करो, हाँ ज्यादा दिन हमारे को यहाँ रहने का नहीं है। हाँ सही है, इसके वास्ते काफी तो भी लाना, देखे बच्ची कैसी जरूरत पड़ गई एकदम। हाँ उसके बाद तैयार होके जाओ, तुम लोग कहाँ जा रहे थे घूमने को? फिर ये किस्सा ना मैं तुम्हारे बाद में सुनाऊंगी, इन्हें नहीं रहेगा ना उस वक्त, बहुत मजे मजे के बातें हैं इन्हें, तुम्हारे को पता है, तुमको जब पता चलेगा असल पाकिस्तान है क्या। हाँ पहले मुझे ये बताओ कि हम आज किस खुशी में खाने आए? बताता हूँ पहले तुम खाना तो खा लो। अरे इस बात का इतना सस्पेंस है? मैंने गुड्डू से कहा है कि बशारत खालू से बात करो। किस बारे में? मेरी और तुम्हारी शादी के बारे में।
ओहो पप्पू, इसके अलावा तुम्हें कुछ और सोचता है कि नहीं? जब बब्बू ने कह दिया कि बबली को पढ़ाई करने दो और पप्पू की जॉब का इंतजार किया जाए तो क्या बेचैनी है? बेचैनी नहीं है, खौफ है मुझे। खौफ? तुम्हें खो देने का खौफ। बबली, मुझे डर लगता है कि बशारत खा लो तुम्हारा हाथ किसी और के हाथ में। बेचैनी रहती है, और वैसे भी पढ़ाई तो तुम शादी के बाद भी मुकम्मल कर सकती हो, तो क्या मसला? लेकिन तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? ट्यूशन से भी मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ, इतने कमाऊँगा कि तुम्हें खुश रहूँ, आई प्रॉमिस। अबू जो फैसला करेंगे वो मैं मान लूँगी, लेकिन गुड्डू को बात तो करने दो। बस बेचैनी लगी हुई है, कंप्लीट योर फूड। बैठो। और सुनाओ बेटे, कैसी नौकरी, कैसी जा रही तुम्हारी? बस खालू, दुआएं आप। हाँ भाई, मैं तो पांचों वक्त दुआ करता रहता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे गुड्डू को बहुत बड़ा अफसर बनाए। आप बताएं, स्टोर कैसा चल रहा है? वो लाडले चाचा का बेटा सही काम कर रहा है? कर रहा है बेटा, सही कर रहा है। लेकिन तेरे वाली बात नहीं, जब तू था तो कुछ बात ही और थी। आप कहें तो मैं ऑफिस के बाद स्टोर आ जाया करूं। नहीं नहीं, मैं चाहता हूं तू अपनी नौकरी पर तवज्जो दे, उसके बाद शादी कर ले बेटा। मैं तुझे दूल्हा बना देखना चाहता हूँ। खालू, फिलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं, मैं चाहता हूँ सिर्फ करियर बनाऊं। वो भी अब्बू, आई मैं आपको जरा ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ। ये बेटा तो क्या थोड़ी थोड़ी देर के बाद आ जाती है ब्लड प्रेशर चेक कर। हाँ तो क्या करूँ, आपका बीपी भी तो कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे। दफा ऊपर होता है नीचे होती है। भी ठीक होगा, गुड्डू आ गया ना, देख लेना तू। गुड्डू तो अब्बू के पास ना बैठा रहकर, ताकि इनका बीपी नॉर्मल रहे। ठीक है ना? हाँ, नॉर्मल है। देखा? चलो भाई, नॉर्मल हो गया। हाँ तो मैं कह रहा था बेटा, गुड्डू अब तू शादी कर ले, बीवी आ जाती है तो नसीब मुकम्मल हो जाता है। खालू, फिलहाल तो मैं आपसे किसी और की शादी की बात करना है। बोल। हेलो, वो पप्पू चाह रहा था कि आप उसकी और बबली की शादी करते हैं। उसे ऐसा लगता है कि अम्मी ने आपसे संजीदगी से बात नहीं की, तो उसने मुझे कहा आपसे बात करने। एक बार की भी गलती दोबारा नहीं करेंगे हम। नजमांडी का कोई पता नहीं है, कहती कुछ है करती कुछ है, न जाने कब पलट जाए पता ही नहीं चलता। अबू, हमने नहीं जोड़ना है लोगों से रिश्ता। देख बेटा गुल्लू, पहले मैं भी यही चाहता था कि बेटियां जल्द से जल्द घर से रुखसत हो जाए तो अच्छा होता है माँ बाप के लिए, मगर बेबी और मम्मी के साथ जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। बस इसे बेहतर था कि घर में ही रहती बेटियां, मेरी आंखों के सामने तो होती ही सब। सही कह रहे हैं खालू, आपने बेबी के मामले में वाकई जल्दी कर दी। बच्ची तुझे बहुत तंग करती थी है ना? नहीं खालू, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए कौन है आप? आप पहचाने नहीं मेरे को? अरे आप हैं कौन और कैसे घुसाए इस घर में? शकुर ने आपको आने कैसे दिया? भाई घुसने कैसे दिया, क्या बातें कर रहे हैं आप? भाई मैं आपके रिश्तेदार हूँ। हैं? रिश्तेदार कह के घुसाई आप यहाँ मेरे घर में? भाई बशारत खालू नहीं है आपके समधी, मैं उनके घर में ऊपर रहती हूँ ना। तो क्या, मैं उनकी समधन भी हूँ। भाई डाली की शादी में कितनी मुलाकातें हुए हमारे, आपको याद ही नहीं है? मैं हरी साड़ी ऐसे बड़े बॉर्डर की पहन के थी, देखो उस दिन कई दफा आपके पास से गुजरी मैं। मुझे तो याद नहीं। वैसे खातून एक बात बता दूं, मैं खवातीन की तरफ निगाहें उठाकर देखता नहीं हूँ, समझिए आप, मैं नहीं पहचानता आपको, कौन है आप? अरे कितने दफा तारुफ कराऊं जी, मैं नजमा हूँ, नजमा। खैर छोड़ो, आप डाली असद कहाँ तो भी है? अरे सैर सपाटे के लिए गए हुए हैं दोनों, उन्हें क्या फिकर के उनका बाप घर में अकेला पड़ा सरल है। यही बात, देखो उनको आपकी फिकर नहीं है, मेरे को है आपकी फिकर, इस वास्ते मैं आई हूँ। असल में बब्बन खाला मेरे को बताए कि आपका दूसरा अखद करने का इरादा हो गया, तो मैं जो है ना रिश्ता लाई हूँ आपके वास्ते। अरे लाहौर वाला अखवत, कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं आपको जानता तक नहीं, रिश्ते की बात कर रही हैं, जाती जिंदगी में घुस गई। अरे अल्लाह कितने दफा तारुफ कराऊं, भाई मैं नजमा हूँ, उनकी बशारत खालू की जो है समधन हूँ, उसमें असद के जो है बारात में हम और आप बातें कर रहे थे, आप ऐसा खोर में की खाली प्लेट लेके खड़े थे, बोले बोटियां दो, मैं बोटियां लाके डाली थी। याद आ गया। नहीं, आप नहीं पहचान रहे मेरे को। अरे उसमें दो बोटियां डाली थी आपने सिर्फ। असल में ना मैं इतना मेकअप वेकअप करके ना एकदम शमी मारा देखती हूँ, अभी ऐसा ही चुटकी आ गई ना हल डालने की, तो आप मेरे को पहचान रहे नहीं, ये है मसला। अरे आप शमी मारा हो या जेबा हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? और उस दिन डॉली को देखे, अपने फुप्पा को यहाँ ले आई, अरे उन्होंने वो बेइज्जती की है मेरी, मेरे ही ड्राइंग रूम में बैठ के। मेरा तो जी चाह रहा था कि जूते मार के घर से निकाल दूं, लेकिन लिहाज आया कि मेरा ही घर है, मैं मार के निकालूं उसको, मगर उसे लिहाज मुरम्मत नहीं आई, लड़ता रहा, तुर्की बतुर्की जवाब दे रहा था। ये इस बात है बड़े साहब, आपका जो गुस्सा है ना, जो आप तैश में आ जाते हैं ना एकदम, एक दिन जो है दिमाग की रग फट जाएंगी। हाँ देखिए आप जो है ना ऐसा भरी जवानी में रणवे हो गए, हाँ एकदम आपकी बेगम चले गए। कुछ मुझे बहुत याद आती है, अकेला रह गया मैं, लंडूरा पूरे घर में लंडवा घूमता रहता है, कोई नहीं पूछता मुझे। मैं भी बेवा हूँ, मैं आपका दुख समझती हूँ जी, आप कैसा अकेले घर में ढंड लाते सारा दिन, बहू बेटा आपको छोड़ के चले जाते, और तो और मेरे को तो ये ताजुब हो रहा किसी दिन आप सोए और जो है सोते ही रह गए। आपके ना बहू बेटा को तो पता ही नहीं चलेगा, लाश की ऐसी बो सड़के जाएंगी पूरे मोहल्ले में ना, फिर बहू बेटा को पता चलेगा आप मर गए। आप मेरे मरने की बात कर रही है, मेरे लाश की सड़ने की बात कर रही है? नहीं। आपके मुंह में खाप। अरे आप गुस्सा छोड़ो जी, यही वास्ते आपकी तन्हाई दूर करने के वास्ते इस में लड़की ढूंढी हूँ। हाँ जाहिदा नाम की लड़की है, बहुत खूबसूरत है, कुंवारी है, उन्हें इंटरेस्टेड है जी आपसे शादी करने में। कुंवारी लड़की का, क्या उसने मुझे देखा है? नहीं उन्हें देखी नहीं आपको, मगर ना मैं ऐसा आपका खाका खींची ना फोन पे, तो जो है उन्हें एकदम तैयार हो गई। और आपकी अभी उम्र है इश्क क्या जी, अभी आप तो जो है ना जावेद शेख से 8-10 साल छोटे ही होंगे, हाँ जरा बाला वाला काले कर लिए ना, तो देखो आप कैसा चमकते, तो आप तो तैयार है ना, चलेंगे अपन रिश्ता तय करने। हाँ मैं चट मंगनी पट ब्याह की तैयारी डालती हूँ, चले। जावेद शेख वाली बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, बड़ी सच सच कहा आपने कि वो मुझसे 8-10 साल बड़ा ही होगा। नजमा बहन आप मेरी बहन है, बात तो आपकी सारी सही है, सच्ची है, लेकिन ये देखे ना इस उम्र में भला मुझसे कौन शादी करेगा? अरे फिर आप वही उम्र की बात निकाल के बैठ गए, छोड़ो भाई आपको मालूम ये जो आप सत्य बारात लाए थे ना, आप साथ साथ थे दूल्हा के,
मैं बब्बन खाला से पूछी, बब्बन खाला ये दूल्हा के साथ जो साहब हैं, यू नो उसके अब्बा तो नहीं दिख रहे, बड़े भाई होंगे। आपकी तो 18-19 साल में शादी कर दिए होंगे आपके अब्बा, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे आप तो सारी बातें सच सच बता रही हैं। तो चलेंगे ना जाहिरा से मिलने। देखिए आजकल ना लड़के लड़कियां देख के शादी करते, ऐसा तस्वीर देख लेने से ना कुछ नहीं होता, तो आप जो है मुलाकात कर लीजिए। चलेंगे अपन, कब चलते? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नजमा बहन एक बात, मैं असद से एक दफा पूछ तो लूं। अरे आप छोड़ो जी, असद को डालो चूल्हे में। असद और डॉली ना ये लोग चाहते ही नहीं कि आपकी शादी हो। ओ क्या, मैं डॉली को फोन करी, साफ काट दी जी, बोली नहीं हमारे ससुर का तो अभी इरादा नहीं है और उन्होंने जो है शादी नहीं करना चाह रहे, आप रहने दो। अरे उसने ये कहा? आने दो कमबख्त को। अरे भाई मैंने तो मतलब मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि मैं बेटे के सामने हाँ करूं, मैंने तो मना ही करना था ना, मैंने मना कर दिया। अब उन्हें चाहिए था कि मुझे राजी करते, मैं तो नखरा कर रहा था। उन्हें चाहिए था कि अब्बा नहीं 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 आप कर ले आप कर ले, आप तरह है जैसे आप कह रही हैं इतनी मोहब्बत से। अरे भाई उन्हें भी कहना चाहिए था, नहीं मनाया। और कह रहे हैं तो जमाने भर में कि हमारे ससुर शादी करना नहीं चाहते। अरे उन्हें क्या पता मेरे दिल का हाल, अकेला रहता, सब्जी काट के अपनी सब्जी खुद बनानी पड़ती है मुझे, खाने तक का नहीं पूछती मुझको, और पूछते भी नहीं सोचती कि अब्बा अकेला है इसको। पता है मैं 11 बजे रोटी खाता हूँ, 12 बजे मुझसे आकर पूछती है बन के, अब्बा मैं आपके लिए रोटी ला दूँ, बताओ भला। 11 बजे मैं खा चुका हूँ, 12 बजे पूछ रही है, जबकि जानती है कि ये 11 बजे खा चुके, लेकिन शौहर को बताने के लिए कि मैंने तो उनको खाने का पूछा। ये है आजकल की नस्ल। और बहुत खिदमत गुजार है। हाँ सही है ना, देखो सब बातें तय हो गए, मेरे को भी घर जाना है, बच्चे आएंगे, आप 1000 रुपए निकालो जल्दी। अरे वो किस बात के? अरे भाई आपकी खुशियों का सदका दूंगी ना, किसी की नजर लग गई तो अरे मासूम बच्चों को बिरयानी बना के खिलाऊंगी भाई, मैं बहुत सोशल वर्क करती हूँ। हाँ नजमा बहन आपको किस कदर मेरा ख्याल है, आप मेरा सदका भी कर रही हैं, अल्लाह आपको दोनों जहानों की खुशियाँ दे। 1000 कम नहीं रहेंगे, 2000 कर ले। 2000 हाँ चलो ठीक है, जर्दा भी काटेंगे ना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ भाई बच्चों को जर्दा बहुत पसंद आता है, ये ले। सही हो गया, उसमें तो वो भी डलवाइएगा जर्दे में, वो जो अपने लाल और हरे रंग की जो। हाँ हाँ सब डलाती हूँ, आप फिक्र कर रहे हैं। हाँ डाली और असद से जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात हम लोगों में जो है तय हो गई है। तय हो गई। हाँ, बिल्कुल तय हो गई। आप भी जिक्र नहीं करेंगी किसी से? नहीं मैं नहीं बोलती। चाय तो पिलाइए ना। हेलो। हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ। मैं अभी चाय लेके हाँ, आता हूँ, आपने पहले खुद ही मना कर दिया हाँ। था, मैं अभी बना के लाता हूँ अपने हाथों से, हाँ, आप बैठे जब हाँ, तक ठीक है। इतने रूखे हो गए तेरे बाल, तो ख्याल नहीं रखती मेरे बालों का? रहे कहाँ है मेरे बाल, वो मनुस डॉली के कहने पे मैंने अपने बाल कटवा दिए थे, इतने लंबे बाल थे मेरे, इतने अच्छे बाल थे। आगे इतनी अच्छी तो लगती है। कोई अच्छी नहीं लगती, मेरा दिल रखने के लिए कह रही है तू। क्यों कैसे, मेरे को तेरे खुले बाल पसंद नहीं थे? सॉरी वो याद नहीं रहा। बिखर रहे हैं रोज शाम हवा में रेत की तरह, ये पहले थे न इस तरह, जो दर्द है नई तरह। क्यों सो रही है जिंदगी, क्यों अजनबी है जिंदगी, करार ही नहीं मिला हमें कहीं किसी तरह। ख्याल यार की तरह, ये दर्द रोज की तरह, बिखर रहे हैं रोज शाम हवा में रेत की तरह, ये
ये पहले थे न इस तरह, जो दर्द है नई तरह। क्यों सो रही है जिंदगी।